हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और हस्बैंड के जाने के बाद ना मैं छत पे आ गई हूँ पपीते लेके। धूप बहुत तेज़ हो रहा है तो यहीं बैठ के पपीता काट लेती हूँ और खा भी लेती हूँ। सारा पपीता मैं नहीं खाऊँगी, कुछ ही खाऊँगी, बाकी बच्चों के लिए भी रख दूँगी। अभी बच्चों जो है स्कूल गए हैं और देख रहे हैं पपीता कितना बढ़िया है, ऑरेंज कलर है। यहाँ पे ना ऐसा पपीता बहुत कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर ना यहाँ पे लाल वाली पपीते मिलता है जो बिल्कुल ही खाने में ना स्वाद नहीं रहता है। बहुत देर धूप में बैठने के बाद, लगभग ना मैं 2 घंटे बैठी थी और मैं नीचे आ गई हूँ। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे तो बच्चे मुँह हाथ धो लिए हैं, और ना बच्चे सुबह एक एक पराठा ही ले गए थे तो बच्चों को भूख लग गई थी। तो मैं गरम गरम बच्चों के लिए रोटी बना देती हूँ। बच्चे ना अब टिफ़िन नहीं ले जाना चाहते हैं। जब लंच टाइम होता है ना तो खाना बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो उन लोगों को खाने का भी इच्छा नहीं होता है। पर क्या करें, मजबूरी है, भूखे तो बच्चों को नहीं रख सकते ना, देना ही पड़ता है लंच। फिर भी मैं दे देती हूँ और कहती हूँ ना कि ले जाओ जब इच्छा हो खाना, नहीं तो ऐसे ही ले आना। लेकिन स्कूल में ना बच्चों एक दूसरे को देख के टिफ़िन खा के ही आते हैं। तावा रख दी हूँ गरम होने के लिए। मेरा तावा ना थोड़ी मोटी है तो टाइम लगता है गरम होने में, और सब्ज़ी भी गरम कर देती हूँ। तो ऐसे गरम गरम रोटी बना के दो ना तो बच्चों एक रोटी ज़्यादा खा लेते हैं। और मैं नहीं खाऊँगी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है क्योंकि मैं अभी पपीते खाई थी ना। मैंने रोटी बनाया तो रिया मना कर रही है खाने के लिए, केवल अर्णव ही खाएगा। रिया का ना कह रही है तबीयत सही नहीं लग रहा है, पेट में हल्के हल्के दर्द हो रहा है। रिया का पेट में ना तेज़ दर्द होने लगा था तो फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, रिया की तरफ ध्यान देने लगी। हाँ, मुझे ब्लॉगिंग करना है लेकिन बच्चों पर भी ध्यान देना है मुझे। ये ब्लॉग ना एक दिन का नहीं है, इसमें ना मैं दूसरे दिन का ब्लॉग भी ऐड कर दी हूँ। जब रिया का पेट में दर्द हो रहा था ना फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और थोड़ा बहुत इसमें ना आवाज़ आ रहा होगा तो हमारे पड़ोस के घर में ना काम चल रहा है, वही आवाज़ थोड़ी बहुत इसमें आ रहा होगा। आज मैं रिया को स्कूल नहीं भेजी। कल रात को ना रिया 2 बार वॉमिटिंग करी थी, कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अभी दवाई दिलवाई हूँ ना तो खाई है तो थोड़ा आराम मिला है इसको, तो यहाँ बैठ के मेहंदी लगा रही है रिया। अब मेहंदी अच्छा लगाने लगी है। तो आप लोगों को मेरी रिया का मेहंदी कैसा लगा आप लोग बताइएगा, अच्छा लगाई है ना। तो आज ना रिया की तबीयत ख़राब हो गई है, उसको ना वॉमिटिंग हो रही है, उसको दो दस्त लग गई है। तो उसके लिए जो है ना मैं यहाँ पे, उसको ना मीठी दलिया बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसको मैं मीठी दलिया बना रही हूँ। इसमें मैंने मीठी दलिया सीटी लगाई है, बॉयल करा है। तो अभी मैं दूध नहीं डाली हूँ, अभी जो है मैं दूध डालूंगी तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। पहले इसका प्रेशर खुल जाएगा, इसका जब प्रेशर खुल जाएगा ना तब। तो ये इलेक्ट्रोल पाउडर, इसको ना पानी में घोल के पिलाना है, और ये रही दवाई उसका। तो चल रही हूँ छत पे, सोई है ना तो धूप में इसको थोड़ी देर में सोने दूँगी और छत पर इसको दलिया ले जाके मैं खिलाऊँगी। से घिट गया है, इसमें डाल देती हूँ चीनी। गैस ऑन कर देती हूँ। अब इसमें डाल देंगे दूध। थोड़ी देर इसको पकाऊंगी, फिर दलिया तैयार हो जाएगा। और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो नहीं डालूंगी इसमें, भी सिंपली ऐसे ही खिलाऊंगी क्योंकि ऐसे भी उसका तबीयत सही नहीं है।
ऐसे डॉक्टर तो नमकीन वाली दलिया बोले थे खिलाने के लिए, जैसे मूंग दाल डाल के बनाते हैं वो वाली, पर ना उसे वो वाली पसंद नहीं है, उसे मीठी दलिया ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसलिए मीठी दलिया ही बना दी ताकि वो अच्छे से खा ले, क्योंकि सुबह से ना वो कुछ भी नहीं खाई है। अभी टाइम जो है 2 बज चुके हैं, मैं बहुत बोली इसको, तो सुबह से कह रहे खा लो कुछ खा लो, नहीं खाई है कुछ भी। अब मुझे दवाई खिलाना है उसको, तो दलिया बना देती हूँ ना, तो चाव से खा लेगी। सारा खा जाना ठीक है रिया, आराम आराम से खा लो सारा, फिर उसके बाद दवाई खा लेना। देख रहे रिया को, सुबह से बेचारी कुछ नहीं खाई थी, खा लो रिया थोड़ा थोड़ा आराम से। रिया कैसा बनाए दलिया, खा लो आराम आराम से। दलिया खिला के उसे मैं धूप में सुला दी हूँ, और ना मैं यहाँ पे लहसुन और अजवाइन पका के लाई हूँ सरसों तेल में। इसे ना मैं उसके पैर हाथ में, पैर के तालू में और पेट में जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पे मैंने मालिश कर दिया है। धूप बहुत तेज़ हो रखा था ना, तो मैं भी धूप में ऐसे खड़ी हो गई थी, और ना मूड बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। बच्चों का तबीयत ख़राब हो जाए ना, फिर किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो रिया का पेट में दर्द हो रहा है ना, ऐसे ना हमारे यहाँ ना आस पड़ोस के बच्चों को भी मतलब पता चला कि उन्हें भी पेट में दर्द हो रहा है। पता नहीं क्यों, ठंड की वजह से दर्द हो रहा है या किस लिए नहीं समझ में आ रहा है। वैसे दवाई खा रही है ना, 2 से 3 दिन हो गया, बिल्कुल आराम नहीं पड़ा है। तो अभी ना मैं ये वार्म बैग जो लेके आई हूँ, ये जो वाटर बैग होता है ना गर्म वाली सेकने के लिए, तो वो मंगवाई हूँ। ऐसा लग रहा है ना कि ठंड लगा हुआ है, तो देखते हैं इसे सेक के इसको आराम मिलता है या नहीं। तो मैंने ऑफलाइन ही लिया है ये। पहले मेरा एक था ना, तो उसका जेल फट के निकल गया था, पता नहीं कैसे फट गया था, समझ चूहा काटा था या क्या, तो फिर से मुझे ये ना नहीं मंगाना पड़ा। अभी तुरंत ही मंगवाई हूँ मैं, तो गर्म करके दे देती हूँ, रिया सेक लेगी। रिया उठो, मैं गर्म कर दे रही हूँ। चार्जिंग पे लगा दिए हैं गर्म होने के लिए, चार्ज हो जाएगा तो रिया को दे देंगे सेकने के लिए। तो आज 3 दिन हो गया, रिया बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उसके साथ ना मैं भी बहुत परेशान हो गई। कभी कभी ना बहुत गुस्सा भी आ रही है कि इसे क्या हो गया, जो आराम नहीं पड़ रहा, दवाई भी खा रही है। फिर वो कोई बोला ना कि नाप खिसक गया होगा, तो वो भी मैंने सही करवा के दिखाया, वो उससे भी सही नहीं हो रहा है। अब इसे सेक के देख रहे हैं और दवाई तो दिलाएंगे ही। मुझे लग रहा है ना ठंड लग गया है सो, पर अभी तो उतना ठंड भी नहीं है जो बच्चों को ठंड लग जाएगा, पता नहीं क्या हो गया है, देखते हैं। लोरिया गरम हो गया, सेक लो। इसका कवर लगा देना। हाँ ठीक है, पेट पे रख लो आराम से, ढक लो, आराम कर लो थोड़ी देर, सो जाओ थोड़ी देर। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, होप आप लोगों को मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं ना, देखते तो हैं लेकिन ना ही लाइक करते हैं ना ही कमेंट, इसलिए ना मैं वीडियो कभी कभी ना मन नहीं होता वीडियो बनाने का, और मैं बहुत ही कम वीडियो इसलिए मैं डालती हूँ। अगर आप लोग मेरे वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, तो मैं रेगुलर ब्लॉग डाला करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।